हमारी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी कभी हैरानी होती है। हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव देखते हैं, साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी बहुत तेजी से बदल रही है। पर वो चीज जो हम पर इन सब से ज्यादा बुरा असर डालती है, वो है बार बार और अधिक तीव्रता से आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, जिनका कारण अक्सर हमारी मौसम में आया बदलाव होता है। कुछ आपदाएं अचानक आती हैं, जैसे तूफान, बाढ़, भूस्खलन, जंगल में आग, भूकंप और सुनामी। कुछ धीरे विकसित होती हैं, जैसे अकाल और मरुस्थलीकरण, जिनका दुष्प्रभाव फसल और अनाज के भंडार पर पड़ता है। इन आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का असर हम सब पर होता है, लेकिन हमारे समुदायों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्हें ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और इन घटनाओं के बढ़ने के साथ ही उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आपदाओं का असर लिंग, आयु और अक्षमता के अनुसार बदल जाता है। महिलाओं, लड़कियों, बच्चों, बुजुर्गों पर, गरीबों और दिव्यांगों पर, और कठिन परिस्थितियों में जी रहे लोगों पर आपदाएं बाकी लोगों से ज्यादा असर डालती हैं। ऐसे संकट के समय में महिलाओं और लड़कियों को लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा का अधिक सामना करना पड़ता है। साथ ही आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कितने ही लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसे संकट काल में सभी के जीवन, आजीविका और गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हमारे कानून और नीतियाँ जनहित में सबसे कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है कि आपदाओं और जलवायु परिवर्तन पर नीतियाँ बनाते हुए सरकारी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अधिकारों की जानकारी हो। असरदार कानून इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपदा आने से पहले, उस दौरान और बाद में किसको क्या करना है। और यहाँ हमें पैसे को नहीं भूलना चाहिए। कानून हर स्तर पर आपदा और बदलते मौसम से पैदा हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजट के आवंटन का आधार बनते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी आपदा आने के बाद तक नीतियाँ बनाने वालों को एहसास नहीं होता है कि उस त्रासदी से निपटने के लिए बने असरदार प्रबंधन कानूनों की कितनी अहमियत होती है। हालांकि पहले ही बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो हम सच में चाहते हैं कि आपदाओं के आने से पहले, उस दौरान और बाद में हमारे सभी लोग सुरक्षित और खुशहाल रहें, और हमारे संस्थान और प्रणालियां ऐसी आपदाओं से अच्छे से निपटने में सक्षम हों। पर इसकी शुरुआत कैसे हो? यहाँ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट IFRC's डिजास्टर लॉ प्रोग्राम की भूमिका शुरू होती है। इस डिजास्टर लॉ प्रोग्राम का उद्देश्य आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सही कानून बनाकर इंसान की तकलीफों को कम करना है। इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक अनुसंधान किया है और विशेषज्ञों की सलाह ली है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स लॉ चेकलिस्ट, कानून, नीतियाँ और संस्थागत प्रबंध आपदा का मुकाबला करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स लॉ चेकलिस्ट सही कानून बनाने में मददगार साबित होती है, ताकि आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स लॉ, यहाँ तक कि सबसे तैयार देशों को भी एक बड़ी आपदा आने पर अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि विनियामक मुद्दे इन कोशिशों को बाधित कर सकते हैं। The International Disaster Response Law (IDRL) guidelines समान कानूनी समस्याओं के लिए तैयार रहने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों की सहायता करती है। Disaster Risk Reduction and Law, इसके तहत ऐसे उचित कानून बनाए जाते हैं जो आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोक या कम कर सकें। The Disaster Risk Reduction Law Checklist and Handbook, इसमें 10 प्रमुख क्षेत्रों की सूची है, ताकि कानून की मदद से खतरों को कम से कम किया जा सके। प्रोटेक्शन, जेंडर एंड इंक्लूजन, ये जानते हुए कि आपदाएं महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और समाज में हाशिए पर जी रहे लोगों को ज्यादा सताती है, डिजास्टर लॉ प्रोग्राम समानता, सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। इस तरह आपदाओं से जुड़े कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं में विस्थापितों की राय भी ली जा सकती है। उद्देश्य सबकी आवाज सुनना है। एक बार दोहरा लेते हैं, हम क्या जानते हैं?
हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में आने वाली आपदाओं की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और तीव्रता दोनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और इनसे एक खास तरह की आबादी ज्यादा प्रभावित होती है। हम ये भी जानते हैं कि असरदार क्लाइमेट एंड डिजास्टर लॉस बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है और इसमें सरकार और समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है। सबसे जरूरी बात, हम जानते हैं कि अब हमारे पास मदद के लिए IFRC है, जिसके पास नीति निर्माताओं और विधायकों के लिए जरूरी संसाधन है ताकि वो असरदार डिजास्टर लॉस बना सकें। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। अधिक जानकारी के लिए www.ifrc.org की मदद लें।